नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड राज्य के गुमला जिले में सरकार एक ओर विकास के दौर में ऐतिहासिक विकास की उपलब्धि को गिना रही है, लेकिन गांव की तस्वीर सभी विकास की उपलब्धि को खोखला साबित कर रही है। वही शहर मुख्यालय से सटे यहां गांव की बदहाली की तस्वीर सरकार और प्रशासन की सभी उपलब्धि की दावों की पोल खोल रही है। मामला जिला मुख्यालय के लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर बसा यह गांव आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी गांव के ग्रामीण आज भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की बाट जो रहे हैं, लेकिन अभी भी योजना कोशों दूर है। हम बात कर रहे हैं सदर प्रखंड के फौरी पंचायत के फौरी जुंगा टोली गांव की, जहां आजादी के बाद भी गाँव में सड़क नहीं है, गाँव के बीच नदी है। बरसात के दिनों में गाँव टापू बन जाता है। इस दौरान चिकित्सा व्यवस्था भी ग्रामीणों को नहीं मिलता है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के लिए घाट या गेरवे में ले जाना पड़ता है। बिजली की बात करें तो कई साल बीत गया है, लेकिन गांव में बिजली नहीं है। पता है, इसलिए दुर्घटना भी हो सकता है और हुआ भी है। और जैसे रोड नहीं रहने के कारण डेलीवरी लोग को खांची में ढोकर, और जब बरसात के दिन रहता है तो नदी में पार करने के लिए खांची में ढो करके ही पार करना पड़ता है, और वैसे स्थिति में लेट हो जाता है तो दुर्घटना भी होता है। पूर्व में भी हुआ है क्या दुर्घटना? हाँ, होता है, लेकिन अभी तो थोड़ा रोड बना दिया हम लोग श्रमदान करके, इसलिए थोड़ा साइकिल उइकिल बैग उग में थोड़ा पार कर आगे लेके, फिर नदी में पार नहीं होता है तो नदी में तो और खांचिए में उठा के लेके पार करना पड़ता है। जो यहाँ हम लोग का गांव फूरी जुंगा टुली में मूलभूत दो समस्याएं हैं, एक बिजली है और सड़क और पुल। ये तीनों समस्या के अभाव में ये गाँव काफ़ी अंधकार में है, प्लस रोड नहीं होने के चलते यहाँ बहुत से दिक्कतें हो रही है, जिसके चलते कभी कभी जानलेवा भी ये आ जाता है। हाँ, इससे पूर्व में घटना भी हुई थी, एक व्यक्ति जिसका नाम बुदूराव है, जिसको गणित जो सांप है चाबने के दौरान उसका रात में मृत्यु हो गया, और बरसात के चलते हम लोग उसको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा पाए। बता दें कि यह क्षेत्र बिशनपुर विधानसभा क्षेत्र के सीमांत पर बसा है। क्षेत्रीय विधायक चमड़ा लिंडा है, लेकिन गांव आज भी बदहाली में है। वही गांव में दो टोला है, बड़ा जुंगा टोली और छोटा जुंगा टोली है, जिसमें लगभग 300 से 400 की संख्या में घर है। गाँव में लोगों की संख्या लगभग 1000 है। वही गांव के एक बड़ा अवधि वाला गांव, जहां लगभग 1000 लोग लालटेन और डिबरी में रात गुजारने को मजबूर है। जहां एक ओर पूरे देश रोशनी से जगमगा रहा है, वही इस गांव की बदहाल तस्वीर सरकारी दावों को मुंह चिढ़ा रही है। यहां के जनजाति जो है एक उम्मीद के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उसके बावजूद जो है 2022 तक ये गुमला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर फौरी जुंगा टोली में मूलभूत आवश्यकता से वंचित रही है। जितने भी राजनीतिक पार्टी आई है, वे सिर्फ यहाँ पे आश्वासन दे के और ले के सिर्फ इस्तेमाल किए हैं। अब ऐसे लगता है जैसे लोग कहते हैं कि हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखने पर पता चलता है कि हम लोग पूरा पाषाण युग में जी रहे हैं, जो कि ना कि यहाँ पे ना कोई मूलभूत सुविधा है और ना ही कुछ भी नहीं है। जैसे नदी में ना पुल है, ना सड़क है और ना ही बिजली है। राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत इसमें बिजली लगाया गया, लेकिन जब खराब हो जाने के बाद में यहाँ के अधिकारियों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, और इस क्षेत्र में लगातार जो जीते आ रहे विधायक श्री चमड़ा लिंडा, उनका भी इस गांव के प्रति कोई झुकाव नहीं है। समस्त फोरी जुंगा टोली वासियों की ओर से जितने भी यहां पे विधायक या त्रिस्तरीय चुनाव या संसद का जो चुनाव होगा, फोरी जुंगा टोली इसका वोट का बहिष्कार करेगा। यह है, इस गांव में सरकारी का
बिजली भी नहीं है, हम लोग अंधकार में है, बहुत दिन से अंधकार में हो रहे हैं, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। कुछ बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पा रहा है, और कुछ कॉलेज वॉलेज जाता है, उन लोग का भी कुछ पढ़ाई लिखाई हो नहीं पा रहा है। लॉकडाउन में स्कूल भी जा नहीं पा रहा है, और पढ़ने में भी बहुत बिजली के अभाव से बहुत, और यहाँ बरसात का दिन में चारों कोना से टापू ही टापू हो जाता है, इसलिए हम लोग जाने आने में बहुत कठिनाई हो रहा है। और इसके चलते रोड भी नहीं है, और अब पंचायत चुनाव भी हो रहा है, इसके कारण हम लोग किसी को वोट भी नहीं देंगे और किसी को घुसने भी नहीं देंगे। मुखिया साहब को तक गांव का विकास नहीं होता है तब तक हम लोग घुसने नहीं देंगे। वही गांव की समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रतिनिधि भोला चौधरी ने वर्तमान सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि वर्तमान सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग से मतलब है। जिले में गांव के ग्रामीण समस्या से त्रस्त हैं। कई गांव के लोग आज भी पाषाण युग में जी रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं होने की बात कही। वे जिले के उपायुक्त शशांत गौरव ने गांव की समस्या को देख सड़क, चिकित्सा, बिजली और अन्य समस्या की जांच कर सुविधा बहाल करने का भरोसा दिया है। राज्य के जो वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है, निश्चित रूप से इस सरकार को विकास से कोई लेना देना है नहीं है। ये तुष्टिकरण की राजनीति करती है और उसको वर्तमान सरकार को यहाँ के विकास से कोई मतलब नहीं है। गांव का विकास कैसे हो, गांव का अंतिम व्यक्ति को लाभ कैसे मिले, इस बारे सरकार को कोई चिंता नहीं है। जैसा कि आपने बताया, मुझे जानकारी है कि वहाँ बिजली की समस्या, वहाँ पुल नहीं है, वहाँ सड़क नहीं है, इसके लिए निश्चित रूप से यहाँ के जो सरकार है उस पर और जिला प्रशासन को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन जिला प्रशासन और राज्य सरकार के उदासीन रवैया के कारण आज भी गाँव विकास से महरूम है। सरकार जो तमाम दावे करती है विकास का, उसमें तमाम दावा खोखला है। आज तक सरकार ने सिर्फ एक ही काम किया है, ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चलाया है और तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि फोरी जिलिंगा जुंगा टोली गांव के जो लोगों का जो समस्या है, जो उन लोगों ने अपना समस्या को आपके समक्ष आपके माध्यम से यहाँ पर लाने का प्रयास किया, उस समस्या को समाधान करें। सरकार और जिला प्रशासन से मेरा मांग रहेगा कि वह तत्काल बिजली व्यवस्था और सड़क और पुल पुलिया का निर्माण कराया जाए, ताकि आम लोगों को आवागमन की सुविधा हो और वे लोग विकास से जुड़ सकें। अगर सरकार ग्रामीणों के विकास के प्रति अगर उदासीन रवैया अपने इसी तरह अपनाती रहेगी, तो हम लोग निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे। जो संबंधित हमारे गांव और टोला है, उसमें ये देखने की ज़रूरत है कि उसके अल्टरनेट रूट क्या पॉसिबल है, और अगर अल्टरनेट रूट पॉसिबल है तो वो जितने सारे गाँव को कनेक्ट करते हुए रहेगा, तो उस रूट को सुदृढ़ करने से काफ़ी सारे पॉपुलेशन को हम एक साथ हेल्प दे पाएंगे, जिसमें कि ये गाँव भी आता रहेगा। तो प्राथमिकता जो है उसको हम लोग उस रोड को दुरुस्त करने पर देंगे। साथ ही साथ अगर इसके शॉर्टकट के रूप में ये पुल की ज़रूरत पड़ रही होगी, और अगर ये छोटी राशि से बन सकेगी, तो हम लोग इस पर भी एक बार दृष्टिकोण, एक बार उसका सर्वे कराएंगे, और एक बार देखते हुए अगर लगेगा डिसीजन, तो हम लोग अर्लीस्ट पॉसिबल इस पर डिसीजन ले लेंगे। जहाँ तक बात स्वास्थ्य सुविधा की है, वहाँ पर ANM वगैरह को हम लोग टैग कर देंगे, अगर वो विजिट करती हैं, चूँकि वो गाँव जाकर विजिट कर रही है, वैक्सीनेशन वगैरह सारे काम को कर रही हैं, सेविका सहिया सहायिका हमारी सभी है, टीम काम कर रही है। तो ये कोशिश हम लोगों की रही कि विकट परिस्थिति में उनके द्वारा जो है जो लास्ट डोज सर्विसेज है वो दिया जा सके। इसके अलावा भी ममता वाहन बढ़ाने के लिए जो है हम लोग कटिबद्ध हैं, जितनी जल्दी हो सके लोगों की सहभागिता से अगर वो इन्वाइट होना चाहते हैं हम लोगों की अपील पर, तो वो लोग भी अपने ममता वाहन के रूप में रजिस्टर करा लें, और वहाँ से हम लोग उनकी स्वास्थ्य सुविधा को जितनी जल्दी हो सकेगा वो हम लोग प्रोवाइड कर सकेंगे। बहरहाल सरकार को चाहिए कि गांव में शहर जैसी सुविधा को गांव में ही बहाल करने की जरूरत है, जिसे गांव भी शहर की तरह विकास कर सके। नहीं तो ग्रामीण जनता सरकार और प्रशासन के विरुद्ध ग्रामीण अब गोलबंद हो गया है और आने वाले दिनों में चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है। साथ ही गांव का जब तक विकास नहीं होगा तब तक किसी नेता को गांव में घुसने नहीं दिए जाने की बात कही है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है, लोग आक्रोशित है।